और अब बात ऐतिहासिक बजट के बाद आभार जताने की, तो सीएम गहलोत का हजारों लोग हर दिन आभार जताने के लिए सीएमआर पहुंच रहे हैं। आज भी हजारों लोगों ने पहुंचकर सीएम गहलोत का आभार जताया। खेल मंत्री अशोक चांदना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा है और इस मौके पर लोगों को सीएम गहलोत ने संबोधित किया और कहा कि मोदी जी को भी ओपीएस लागू करना पड़ेगा, दूसरे राज्यों को भी ये कदम उठाना पड़ेगा। किसानों को बिजली कनेक्शन देंगे, 2 साल में सभी पेंडेंसी खत्म कर दी जाएगी। सवाल ये कि सैलाब क्या कहते हैं, रोजाना यहां पर लोग पहुंच रहे हैं आभार प्रकट करने के लिए, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए बजट को लेकर, और आज भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से सीएमआर पहुंचे हैं लोग, जिनसे मुखातिब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और साथ ही ये कहा कि राजस्थान ने समझा है कर्मचारियों का दर्द और इसे लागू किया है, छत्तीसगढ़ ने भी इसका ऐलान बजट में किया है और अब केंद्र सरकार को भी इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। अचानक फैसले किए हैं, अभी हमारे कहते बुजुर्ग नेता कह रहे थे भाई कि आपने कर्मचारियों के लिए भी बहुत बड़ा काम कर दिया, फौरी पेंशन लागू कर दी, वो जरूरी था माननीय दृष्टिकोण से भी, क्योंकि फौरी पेंशन में सिक्योरिटी है आदमी को, कोई बुढ़ा भी कहते मेरे पेंशन मिलेगी, पूरी मिलेगी और मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को पेंशन मिलेगी, ये बहुत बड़ी खासियत थी उसके अंदर। और नई पेंशन में तो पैसा शेयर मार्केट में लगेगा, अगर बढ़ेगा तो मिलेगा वरना मिलेगा ही नहीं, कम मिलेगा, तो वो सिक्योरिटी नहीं थी। अब कम से कम सिक्योरिटी वहां पर बढ़ी, हिंदुस्तान भर में उसकी चर्चा हो रही है, छत्तीसगढ़ ने तो कर भी दिया कल परसों, और राज्यों को करना पड़ेगा, मोदी जी को भी करना पड़ेगा। इसलिए हमने हर जगह जो मांगा है मेरे सामने वो हमने देने का प्रयास किया है राजस्थान सरकार ने, और 90 लाख लोगों को दे रहे पेंशन, बुजुर्गों को विधवाओं को निशक्तों को पेंशन राजस्थान में 90 लाख लोगों को मिल रही है।